भाई आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर को मीडियाटेक हेलियो G80 प्रोसेसर के साथ में। दोनों ही प्रोसेसर अभी तक किसी भी डिवाइस में हमको देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकेशंस है दोनों प्रोसेसर की बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है और G70 की परफॉर्मेंस को देखते हुए G80 से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं। वहीं पर बात की जाए 720G की तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल सकती है जिस हिसाब से स्पेसिफिकेशंस उसके हैं। तो इस वीडियो के अंदर करते हैं दोनों प्रोसेसर को कंपेयर और देखते भाई दोनों में से कौन सा प्रोसेसर है बेटर। फटाफट से कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। लॉन्च डेट से स्टार्ट करते हैं। स्नैपड्रैगन 720G लॉन्च हुआ था 21 जनवरी 2020 को। वहीं पर मीडियाटेक हेलियो G80 लॉन्च हुआ है 3 फरवरी 2020 को। यानी कि दोनों ही प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट प्रोसेसर हैं और अभी तक किसी भी डिवाइस में हमको देखने को नहीं मिले हैं। बात की जाए CPU और CPU क्लॉक स्पीड की, दोनों ही प्रोसेसर के अंदर आपको डुअल क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलेगा। बिग लिटिल अप्रोच दोनों के अंदर देखने के लिए मिलेगी 2+6 के रूप में। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 720G की बात की जाए तो दो कोर आपको मिलेंगे यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए, जहाँ पर आपको मिलेगा क्रायोस 465 गोल्ड CPU जो कि बेस्ड है कॉर्टेक्स A76 CPU पे, और क्लॉक स्पीड आपको मिल जाएगी 2.3 GHz की। जो बचे हुए 6 कोर हैं वो मिलते हैं आपको एफिशिएंसी के लिए, यहाँ पर आपको मिलता है क्रायो 465 सिल्वर CPU जो कि बेस्ड होता है कॉर्टेक्स A55 CPU पे, और क्लॉक स्पीड आपको मिल जाएगी 1.8 GHz की। बात की जाए मीडियाटेक हेलियो G80 की, यहाँ पर आपको दो कोर मिलेंगे परफॉर्मेंस के लिए आर्म कॉर्टेक्स A75 CPU के साथ में, जहाँ पर क्लॉक स्पीड आपको मिल जाएगी 2.0 GHz की, और जो बचे हुए 6 कोर है वो मिलते हैं आपको एफिशिएंसी के लिए, जहाँ पर आपको मिलेगा आर्म कॉर्टेक्स A55 CPU और क्लॉक स्पीड आपको मिल जाएगी 1.8 GHz की। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो 720G प्रोसेसर है उसके अंदर आपको बेटर क्लॉक स्पीड भी मिलती है और साथ ही में लेटेस्ट CPU भी मिलता है। तो CPU क्लॉक स्पीड के मामले में 720G एक बेटर प्रोसेसर है। CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात की जाए भाई तो स्नैपड्रैगन 720G बहुत ज़्यादा आगे है। यहाँ पर 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बनाया हुआ है 720G प्रोसेसर को। वहीं पर मीडियाटेक हेलियो G80 बना हुआ है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर। अब भाई फैब्रिकेशन प्रोसेस आप सभी को पता है और मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ में हीटिंग का इशू हमेशा से हमको देखने को मिला है और इस प्रोसेसर के साथ में भी वही इशू हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फैब्रिकेशन प्रोसेस में कुछ भी अपग्रेड नहीं किया गया है, वही 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस G80 के साथ में भी दी गई है। CPU आर्किटेक्चर एंड कोर्स की बात कर ले भाई तो दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट के ऑक्टाकोर प्रोसेसर हैं, यानी कि दोनों प्रोसेसर में आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए 8-8 कोर मिलेंगे। अब बात करते हैं ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यानी GPU की। स्नैपड्रैगन 720G के साथ में मिलेगा आपको क्वालकॉम एड्रेनो 618 GPU और क्लॉक स्पीड मिल जाएगी आपको 825 MHz की। वहीं पर बात की जाए मीडियाटेक हेलियो G80 की तो यहाँ पर आपको आर्म वाली G52 2EMC2 GPU देखने को मिलेगा, क्लॉक स्पीड आपको मिलेगी वहाँ पर 950 MHz की, और भाई जो परफॉर्मेंस है वहाँ पर आपको एड्रेनो 618 के साथ में ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन जो G80 के अंदर GPU आपको देखने के लिए मिलता है वो भी कहीं पर कम नहीं है। परफॉर्मेंस आपको वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, लेकिन कंपैरिजन की बात की जाए तो 720G के साथ में एड्रेनो 618 GPU एक बेटर परफॉर्मेंस दे के जाएगा। रैम सपोर्ट की बात की जाए तो दोनों ही प्रोसेसर में आपको डुअल चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलता है। दोनों ही प्रोसेसर के साथ में आपको अप टू 8GB रैम देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन जो छोटा सा डिफरेंस आता है वो आता है रैम फ्रीक्वेंसी में। 720G के अंदर आपको बेटर रैम फ्रीक्वेंसी मिलती है 1866 MHz की। मीडियाटेक हेलियो G80 के साथ में आपको 1800 MHz की रैम फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो रैम सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 720G एक बेटर प्रोसेसर है। स्टोरेज सपोर्ट की बात की जाए तो स्नैपड्रैगन 720G एक बेटर प्रोसेसर है, क्योंकि यहाँ पर आपको eMMC 5.1 और UFS 2.1 दोनों का सपोर्ट मिल जाता है। मीडियाटेक हेलियो G80 के साथ में आपको केवल eMMC 5.1 का सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर आपको UFS 2.1 का सपोर्ट नहीं मिलता है, जो कि एक ड्रॉबैक है मीडियाटेक हेलियो G80 का। कैमरा सपोर्ट की बात कर ली जाए, स्नैपड्रैगन 720G के साथ में आपको 22+22 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल सकता है MFNR के साथ में 30 फ्रेम पर सेकंड पे। 36 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा आपको मिल सकता है MFNR और ZSL दोनों के सपोर्ट के साथ में। फ्रेम रेट आपको मिल जाता है 30 फ्रेम पर सेकंड का। 48 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ कर सकते हैं आप MFNR के सपोर्ट के साथ में, यहाँ पर आपको ZSL का सपोर्ट नहीं मिलता है, और मैक्सिमम कैमरा साइज हो सकता है 192 मेगापिक्सल का। मीडियाटेक हेलियो G80 की बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा मिल जाता है 16+16 मेगापिक्सल का, और सिंगल कैमरा की बात की जाए तो 48 मेगापिक्सल तक का कैमरा आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन कैमरा सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 720G बेटर प्रोसेसर है।
वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन की बात करें, स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर के साथ में आप 4K अल्ट्रा HD वीडियो 2160 पिक्सल्स वाले वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड पे, फुल HD प्लस वीडियो यानी 1080 पिक्सल्स पे वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 फ्रेम पर सेकंड पे, और HD वीडियो की बात की जाए तो 720 पिक्सल्स वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 240 फ्रेम पर सेकंड पे, और भाई उसको इजीली आप स्लो मोशन वीडियो में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मीडियाटेक हेलियो G80 की बात की जाए, यहाँ पर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पर आप 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 1440 पिक्सल्स QHD वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड में, और फुल HD प्लस यानी कि 1080 पिक्सल्स वाली वीडियो की बात की जाए तो 60 फ्रेम पर सेकंड पर आप उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन के मामले में भी भाई स्नैपड्रैगन 720G बेटर प्रोसेसर है। डिस्प्ले सपोर्ट की बात करें भाई तो दोनों ही प्रोसेसर आइडेंटिकल है, जहां पर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है दोनों प्रोसेसर में, 1080x2520 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन भी आपको मिल जाता है दोनों प्रोसेसर में, तो डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। बात करें LTE मॉडेम की, स्नैपड्रैगन 720G के साथ में आपको मिलेगा इंटीग्रेटेड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X15 LTE मॉडेम। डाउनलिंक के लिए वहां पर आपको मिलता है कैट 15 मॉडेम और डाउनलोड स्पीड आपको मिलेगी 800 Mbps की। अपलिंक के लिए आपको मिलेगा कैट 13 मॉडेम और अपलोड स्पीड आपको मिलेगी 150 Mbps की। बात की जाए मीडियाटेक हेलियो G80 की, यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड 4G LTE मॉडेम देखने को मिलता है। डाउनलिंक के लिए आपको मिलता है कैट 7 मॉडेम और डाउनलोड की स्पीड आपको मिल जाती है 300 Mbps की। अपलिंक के लिए यहाँ पर आपको मिलता है कैट 13 मॉडेम और अपलोड स्पीड आपको मिल जाती है 150 Mbps की। अब जो डिफरेंस आता है वो आता है यहाँ पर फिर से डाउनलोड स्पीड में, जहाँ पर आपको 800 Mbps की डाउनलोड स्पीड मिलती है स्नैपड्रैगन 720G के साथ में, इसलिए LTE मॉडेम के मामले में भी स्नैपड्रैगन 720G एक बेटर प्रोसेसर है। तो भाई ये था कंपैरिजन स्नैपड्रैगन 720G का मीडियाटेक हेलियो G80 प्रोसेसर के साथ में, और भाई थ्रू आउट द कंपैरिजन 720G एक बेटर प्रोसेसर था। आपको बहुत अच्छा CPU मिलता है, आपको बहुत अच्छा GPU मिलता है, बहुत अच्छा कैमरा सपोर्ट मिलता है और सारी चीजें आपको बेटर मिलती है 720G प्रोसेसर के साथ में। तो भाई इस जो बैटल है इसका क्लियर विनर निकल के आता है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर। आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना भाई कि आपको दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेटर लगा, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन दबा देना और ऑल वाला ऑप्शन जरूर से सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत से पहुंच जाएंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।